मेरा सवाल पहले मुनवर से है uh, मुनवर ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए बिग बॉस ये बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रही आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था जो आपने अभी बोला ये वो हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में मैं कहता हूँ कि तीन मकान बसाए और मेरे एक दो उजाड़ दिए तीन तीन मैं, 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 मैं ये जोक में मैं जोक में कहता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बेरस हूँ इस चीज़ को लेकर और कहते हैं ना कि आप एम्बेस तो हो लेकिन आप काम पे हो कि गोली खा के मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है गोली खा के काम पे आ जा तो मैं काम पे हूँ मैं यहाँ पे बहुत मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है मैं सिचुएशंस को लेकर और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे, कि आप चाहे कहीं पर भी हो आप सबसे इज़्ज़त वाले मुकाम पर हो अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज़्ज़त कर सकता है तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बेरस फील किया मैंने और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है और जिस तरह दिखाई गई है चीज़ें कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो इसलिए आप चुप रह जाते हो बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है और आ, मैं आ, आपकी एक बात से ये अग्री करूँगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ क्योंकि वो मुझे जानते हैं मुझे देखा हुआ है रिलेट कर सकते हैं मुझसे और वो मेरी जर्नी जानते हैं मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है मेरे बहुत ही लाइव चीज़ें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले चार सालों से तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की कि अगर दो का बुरा किया होगा तो हज़ारों का अच्छा भी किया होगा मैंने मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत तो को हंसाया है तकलीफ़ों में भी हंसा है और ख़ुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसा है तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ हैं तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह इस तरह चलते रहते हैं पर इस बार मुझे लगता है अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है तो वो ओवर पावर कर रहा है और मैं इस चीज़ से अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारना चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना करूँ